आपने एक अंक की गुणा करना सीख ही लिया है, जैसे 12 गुणा 4, इस प्रकार गुणा आप सीधा ही कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब हम दो अंकों वाले गुणा सीखेंगे, जैसे 22 गुणा 12, इसको कैसे करें। यहाँ पर देखने वाली बात है कि दो, पहले दो को गुणा करेंगे, 22 दो बार, यानी कि 22 गुणा 2 तो कितना आएगा, दो से गुणा कर देंगे इसको, दो की दो से गुणा 4, दो दूनी 4, बिल्कुल आसान है। अब ये एक बंडल है, एक बंडल मतलब 10, अब इस 22 को हम 10 से गुणा करेंगे बच्चों, कितने गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि एक बंडल है, एक बंडल का मतलब होता है 10, तो 22 गुणा 10 कितना आ गया, 22 को 10 से गुणा करेंगे। जैसे एक, ये देखो पहले 10 की गुणा सीखते हैं हम, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, तो तीन नोट में, एक नोट में 10, दो में 20, तीन में 30, यानी कि 3 गुणा 10 कितना आया, 30 आया ना, 3 एकम 3 कर दो और आगे शून्य ऐसे कैसे लगा देंगे। अब इसी प्रकार से 5 गुणा 10 कितना आया, कितना आएगा, 10 पंजे 50, 12 भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 और ये शून्य। ये 10 100 हज़ार से गुणा करनी बड़ी आसान है बच्चों, पहले हम यही सीखते हैं, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 22 गुणा 10 कितना आएगा, 22 को 22 एकम 22 और पीछे एक शून्य लगा देंगे, तो ये कितने गुणा गुणा आगे 220, तो यहाँ पर लिखेंगे 220। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 4 4 और 2 6 और 2, इस प्रकार से हम दो अंकों की संख्या, दो अंकों वाली संख्या की दो अंकों वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, 22 बंडल में पुस्तकें, यानी कि 28 पुस्तकें 22 बार, 22 बंडल है ना हमारे पास, एक बंडल में 28 यानी कि 28 22 बार, 28 गुणा 22 कैसे करेंगे, 28 को 22 से गुणा, चलो देखते हैं। पहले दो की गुणा करेंगे हम 8 से, दो अठे 16। यहाँ पर जब भी 10 से ज़्यादा वस्तुएं आपके पास आती हैं तो आप उसका बंडल बनाते हैं, खुली वस्तु यहाँ से आती है तो एक बंडल आ गया, बंडल बंडल में जुड़ेगा, दो दूना 4, 4 और 1 5, ये 5 बंडल, ये 56 आ गया आपके पास, 56 वस्तु, यानी कि 5 बंडल और 6 खुली वस्तु। अब इनको हम दो बंडलों से गुणा करेंगे, 28 गुणा 2 बंडल, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, दो से गुणा करनी है, तो दो बंडल है ना, तो खुली वस्तुएं तो आएगी ही नहीं, जब हम गुणा ही बंडल से कर रहे हैं तो खुली वस्तुएं नहीं आएंगी। बंडल का मतलब 20, यानी कि 28 गुणा में 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बंडल में 10 होते हैं और दो बंडल में 20, तो खुली वस्तुएं हमारी आएंगी नहीं, जीरो आएंगी, तो जीरो लगाएंगे आप, शून्य लगाएंगे। अब इसकी 28 की गुणा 2 से करेंगे, तो 28 की गुणा 2 से करेंगे तो कितने बंडल आ गए हमारे, 28 गुणा 56 बंडल, यानी कि 28 गुणा 2, 2 अठे 16, 56 बंडल आ गए ना, ये दो बंडल थे ना हमारे पास, ये देखो ये इससे कर रहा हूँ मैं, ये दो बंडल, 56 बंडल आ गए हमारे पास, कितने बंडल आ गए बच्चों, 56 बंडल, 20 से नहीं करेंगे आपकी बार, 2 से कर रहे हैं, दो बंडल है ना हमारे पास, ये 56 बंडल आ गए। 56 बंडल के, अब मैंने बताया था 10 बंडल का गट्ठर बनता है, तो 50 बंडल बराबर है एक गट्ठर और 6 बच गए बंडल, तो यहाँ पर 6 आएगा और गट्ठर आगे जाएगा, कितने गट्ठर बन गए आपके पास, 5 गट्ठर, ये 5 गट्ठर जाना आएगा, तो इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे, 6 खुली वस्तुएं, 6 और 5 11, 1 फिर 1 आगे जाएगा, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आया। इस प्रकार से आपने गुणा के सवाल करने हैं।